सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनुपूरक बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की है। सुबह 10 बजे लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए मिल सकती है बजट की मंजूरी, तो बड़ी खबर इस वक्त की है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश करने से पहले आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे लोकभवन में ये बैठक होगी। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए मिल सकती है बजट को मंजूरी, तो ये बैठक बेहद अहम है। और उत्तर प्रदेश सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट का आकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहने का अनुमान है। अनुपूरक बजट में एक्सप्रेसवे, धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों और कोविड पीड़ितों की मदद के अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन का प्रबंध हो सकता है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 19 अगस्त को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा है और सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा और प्रदर्शन किया। तो आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज कैबिनेट की सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होने वाली है, एक अहम मीटिंग होने वाली है और इस बैठक के दौरान ही अनुपूरक बजट को लेकर मंजूरी मिल सकती है और आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। बजट तो कागज में पढ़ा दिया जाता है, पिछली बार तो उसको किताब ही नहीं छापी गई और बजट का पैसा खर्च धरती पर ही दिखाई नहीं देता है, तो उस बजट का हम लोग स्वागत नहीं करेंगे, उस बजट का हम लोग निंदा करेंगे। सदन के अंदर की बातें, सदन के बाहर मैं चूंकि सरकार का मंत्री हूं तो मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन जो विरोध करते हैं वो आईना लिए आज मैं देख रहा था, कुछ लोग घूम रहे थे, तो उस आईने में अपने आप को देखें, अपने कार्यकाल को देखें। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते, जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? हालांकि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कैबिनेट की सुबह 10 बजे बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर भी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, चूंकि आज अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और चूंकि कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जो अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है उसको कैबिनेट से पहले मंजूर कराया जाए और उसके बाद उसको विधानसभा में रखा जाए। चांदनी देखिए, ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएँ कर सकती है। हालांकि देखिए, बजट का आकार कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक आकार है क्योंकि तकरीबन 35,000 करोड़ रुपये का ये बजट बताया जा रहा है और जिसमें तमाम ऐसी योजनाएँ जो कोविड से संबंधित होंगी, जो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं कुछ जगहों का निर्माण कराने के लिए, उनके लिए इस बजट में धन का प्रबंध किया जा सकता है। खास तौर पर जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है चांदनी, जिसमें अगर हम बाल सेवा योजना की बात करें, जिसमें सरकार ने घोषणा की है कि जो बच्चे निराश्रित हुए हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनको हर महीने 4,000